नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कनौजिया आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर से परिचित कराने जा रहा हूं दोस्तों, जिसकी हमारे यहाँ बहुत पहले खेती की जाती है। जो अपने यहाँ नीला रंग बनता है वो पहले इसी के पुष्पों से नेचुरल कलर बनाया जाता था, लेकिन जब से केमिकल युक्त नीले कलर का जो है उत्पादन होने लगा तब से इसकी खेती एक तरीके से बंद टाइप की हो गई। तो दोस्तों, आज का जो औषधीय पौधा है वो नीले रंग के नाम से ही जुड़ा हुआ, जिसको नील का पौधा दोस्तों कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा नील, जो हम लोग अपने कपड़ों पे करते हैं। इसका जो लैटिन नाम है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया नाम से इसको जानते हैं। नील का पौधा नीली विभिन्न अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। आप क्या इसको किस नाम से जानते हैं जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों, पहचान करते हैं नील के पौधे की। दोस्तों, यह नील का पौधा देखने में हूबहू सरपुंखा के समान ही लगता है दोस्तों। ये देखिए, उसी सरपुंखा के समान पत्तियां होती हैं, लेकिन जब इसकी पत्तियां हम लोग दोस्तों तोड़ेंगे तो उसके सरपुंखा की पत्तियां तीर के आकार टूटती हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं एकदम बराबर से टूटती हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों पौधों की पहचान बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से इसकी पत्तियां टूटती हैं और सेम उसी तरीके से पौधा होता है। इसके पुष्प देखिए, इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे पुष्प आते हैं, ये बहुत काफ़ी छोटे छोटे गुलाबी कलर के दोस्तों इसके पुष्प होते हैं। देखिए काफ़ी सारे पुष्प लगे हुए हैं और इस तरीके से इसका तना होता है। देखने में हूबहू जो है सरपुंखा के समान ही दिखता है। ये एक वर्ष दो वर्ष या सदाबहार पौधा होता है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से गुच्छे में इसमें पुष्प आते हैं, गुच्छे में ही फलियाँ लगती हैं दोस्तों। यही अभी पुष्प बन जाएंगे, फिर इनसे फलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए इसमें गुच्छे में फलियां भी दोस्तों निकल आएंगी। ये देखिए इस तरीके से इसकी हरी हरी गोल गोल फलियां होती हैं, जो कि छुपी रहती हैं एक तरीके से पत्तों में। ये देखिए वो काफ़ी गुच्छे में फलियां लगी हुई हैं दोस्तों, गोल गोल पकने पर काली हो जाएंगी। ये दोस्तों देखिए गुच्छे में ही लगती हैं फलियाँ, जिस तरीके से फूल होते हैं, फूल से पुष्प के बाद उसी डंडी में काफ़ी सारी फलियाँ गोल गोल लगने लगती हैं इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, नील के फलियाँ बिल्कुल एकदम पक गई चुकी हैं और कुछ अच्छी अवस्था में हैं। क्योंकि दोस्तों जब इसका पौधा पकने लगता है तब उसमें पत्तियाँ कम हो जाती हैं, फलियाँ जो है बाहर की ओर दिखने लगती हैं। तो जब एक अच्छी अवस्था में होता है तो उसमें फलियाँ पत्तों में छुपी रहती हैं। सरपुंखा के पौधे में उसमें जो विभिन्नता है उसमें फलियों में भी इसमें भिन्नता रहती है, क्योंकि इसकी फलियाँ गोल होती हैं और सरपुंखा की फलियाँ जो है दोस्तों चपटी हुई होती हैं। पत्तियाँ उसकी वी शेप में टूटती हैं, इसकी सीधी पत्तियाँ टूटती हैं। ये कुछ सरपुंखा और नील के पौधे में अंतर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जो है नील के पौधे को पहचान गए होंगे। तो आइए जानते हैं इसके कुछ प्रयोगों के बारे में। एक प्रयोग तो ये नील इस पौधे से नील बनता है, जो कि कपड़ों के रंगने के काम में आता है। दूसरा प्रयोग ये होता है कि दोस्तों जो बालों को काला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो तेल बनाया जाता है उसमें आंवला भृंगराज अन्य जड़ी बूटियों के साथ इस नील की पत्तियों का या नील के पंचांग का भी उपयोग किया जाता है, जो कि बालों को काला करने के काम में आता है। और दोस्तों इसका अंतर उपयोग जो है विषों को दूर करने वाला होता है। अगर हम इसको पंचांग को या पत्तियों को अंदरूनी रूप से यूज करेंगे तो हमारे शरीर में जो भी विष व्याप्त हो गए हैं, यहाँ तक कि पारे तक का विष अगर हमारे शरीर में चला गया है तो वह दूर होता है दोस्तों। इसके लिए इसके पंचांग को सुखाकर इसका चूर्ण बना लेते हैं। आधा आधा चम्मच की मात्रा में अगर लेते हैं 10-15-20 दिनों तक, तो हमारे शरीर से जो भी पारे का विष है वो मूत्र के मार्ग के माध्यम से निकल जाता है। लीवर के कार्य को सुचारू रूप से चलाता है। किडनी में भी अगर कोई अवरोध है तो वह भी दूर करता है, क्योंकि रक्त शोधक है। यह विरेचन का भी काम करता है और हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या विष व्याप्त हो गए हैं उनको मल और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है दोस्तों। तो यह नील का पौधा हमारे लिए बड़े काम की औषधि है, इसको पहचान कर इसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अन्य लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।